मार्क्स के लिए आप क्या कहना चाहते हैं बताइए। ग्रेस मार्क्स हमने जिस सब्जेक्ट में एक्सपेक्ट किए थे उसमें नहीं मिले हैं, उसके बजाय दूसरे सब्जेक्ट में मिले हैं। ऑनलाइन एग्जाम मतलब ऑनलाइन पढ़ाई करा के ऑफलाइन एग्जाम लेना ये सही है या गलत है? नमस्कार दोस्तों, यहाँ पर जितने भी CBSE और CISE के स्टूडेंट्स हैं, दोस्तों कई सारे दिनों से वीडियो में कमेंट आ रहे थे कि सर हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन लगभग ख़त्म हो चुके हैं, लगभग सारे पेपर ख़त्म हो चुके हैं, सर क्या हमको ग्रेस मार्क्स मिलेंगे? तो दोस्तों ग्रेस मार्क्स के बारे में जितने भी लोगों ने क्वेश्चन पूछे हैं उसके बारे में आज हम उनको रिप्लाई देंगे, उनको बताएंगे, आप लोगों को हम ये बताएंगे ग्रेस मार्क्स दोस्तों किन किन सब्जेक्ट में दिए जाएंगे, किस लेवल पे दिए जाएंगे और किन लोगों को ग्रेस मार्क्स नहीं मिलने वाला है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ आगे वीडियो में आप सब समझ जाएंगे, क्योंकि दोस्तों जैसा कि आपको मालूम होगा चाहे वो CBSE हो चाहे वो CISE हो, दोस्तों ग्रेस मार्क्स को लेकर आज तक कोई भी बोर्ड काउंसिल कमेटी ने कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट आज तक नहीं की है, चाहे वो CBSE चाहे CISE चाहे वो NIGS बोर्ड क्यों ना हो, दोस्तों कभी उसने आज तक कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट ग्रेस मार्क या एक्स्ट्रा मार्क कह लीजिए उसके बारे में आज तक कोई नहीं की है, क्योंकि ग्रेस मार्क दोस्तों किन किन कोई ना कोई सब्जेक्ट्स में दे दिए जाते हैं बट उसके बारे में किसी को नोटिफाई नहीं किया जाता है। अब ऐसा किस सिचुएशन में बेहतर होता है, पहली बात तो ये समझ लीजिए कि ग्रेस मार्क्स किस प्रकार से वर्क करता है। अब दोस्तों ग्रेस मार्क्स मैं आपको बता दूँ, जैसे कि आपने कोई सब्जेक्ट्स में 25 नंबर आपने गेन किए हैं मान लीजिए और 30 नंबर का दोस्तों पूरा पेपर है, अब उसमें पासिंग मार्क क्राइटेरिया 27 है और आपके पास सिर्फ 25 नंबर है, तो जो भी बोर्ड एग्जामिनर होगा जो भी आपकी कॉपी चेक करता है दोस्तों 99.9% चांसेस हैं कि वो किसी न किसी तरह से आपको 27 नंबर पे लाके खड़ा कर देगा, आपको 27 नंबर दे ही देगा कि आप फेल ना हो। मेरी बात आप लोग ध्यान से समझिएगा, अगर आप लोग कोई 30 नंबर का क्वेश्चन पेपर दे रहे हैं जिसमें पासिंग मार्क क्राइटेरिया 27 नंबर है और 25 नंबर आपने गेन किया है, दो नंबर कम पढ़ रहे हैं तो जो एग्जामिनर है वो आपको किसी न किसी प्रकार से दो नंबर प्रोवाइड कर देगा, तो ऐसे लोगों को ग्रेस मार्क्स दिया जाता है। जो कि सिर्फ 20 नंबर या 22 नंबर तक लाके रुक जाते हैं और 27 नंबर पासिंग मार्क रहता है, तो 5 से 6 नंबर बढ़ाना किसी भी एग्जामिनर के पास की बात नहीं है, वो किसी न किसी तरह से दोस्तों आपको सिर्फ 1 या 2 या 3 नंबर ही बढ़ा सकता है, 5 से 6 नंबर एग्जामिनर कभी नहीं बढ़ाता है, तो इन्हीं लोगों को ग्रेस मार्क्स मिल जाते हैं और जिन लोगों को नहीं मिलते हैं फिर वो कहते हैं कि सर हमको ग्रेस मार्क्स नहीं मिले हैं। तो ग्रेस मार्क्स के पीछे दोस्तों यही थ्योरी है कि ग्रेस मार्क्स उन्हीं लोगों को मिलता है जिन लोगों ने थोड़ी मेहनत की है, एक नज़दीक में नंबर ला के रुक गए हैं तब जाके उनको ग्रेस मार्क्स प्रोवाइड कर दिया जाता है। अब यहाँ पे बात आती है किन किन ऐसे सब्जेक्ट्स में हैं कि आपको ग्रेस मार्क्स देखने को मिल सकते हैं। ग्रेस मार्क्स अधिकतर आपको हार्ड सब्जेक्ट्स में देखने को मिलता है, जैसे कि मैथमेटिक्स हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया या तो बायोलॉजी हो गया, ऐसे चैप्टर्स में ऐसे सिलेबसेस में आपको दोस्तों यहाँ पे ग्रेस मार्क्स देखने को मिलता है, ना कि हिंदी इंग्लिश ज्योग्राफी हिस्ट्री के सब्जेक्ट्स में आपको ग्रेस मार्क्स देखने को मिलेगा। अब ये कई चीज़ों पर कई फैक्टर पर डिपेंड करता है, सबसे पहली बात है आप लोगों ने किस लेवल का नंबर गेन किया है, आप लोगों में जो कॉपी लिखे हैं आपने वो दोस्तों किस लेवल तक आपने उसको अच्छे से साइंटिफिक तरीके से सामने उसके रिप्रेजेंट किया है जो कॉपी चेक करता है, इन्हीं सब चीज़ों के चलते आपको ग्रेस मार्क्स प्रोवाइड किए जाते हैं। जैसे कि सेमेस्टर 1 में आपको याद होगा हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट के कई सारे स्टूडेंट ने ये बातें बोली थी कि हमको ग्रेस मार्क्स मिले हैं लेकिन हम जिस सब्जेक्ट में चाहते थे उस सब्जेक्ट में नहीं मिले हैं, अदर सब्जेक्ट में हमको ग्रेस मार्क्स प्राप्त हुए हैं। अब ऐसे में दोस्तों ग्रेस मार्क्स रिलेटेड आपको मैंने जैसा कि जो थ्योरी बताई है ये सेम उसी प्रकार से वर्क करती है, अगर आप लोगों ने नियरेस्ट नंबर तक जाके आप लोग रुक गए हैं तो 1-2 नंबर से एग्जामिनर आपकी कॉपी को दोस्तों चेक करके 1-2 नंबर आपको बढ़ा देगा, उसी को हम ग्रेस मार्क या एक्स्ट्रा मार्क कहते हैं। अगर आप लोग बहुत पीछे रुक गए हैं और जो पासिंग मार्क क्राइटेरिया है आप उसके आसपास भी नहीं आते हैं तो यहाँ पर आपको ग्रेस मार्क प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, इसी को ग्रेस मार्क का दोस्तों जो थ्योरी है इसी बेस पर डिपेंड होती है। अब ये चीज़ें CBSE के लिए भी लागू होती हैं, ये चीज़ें CISE के लिए भी लागू होती हैं, यही चीज़ें UP MP महाराष्ट्र और सभी बोर्ड के लिए लागू होती हैं दोस्तों, क्योंकि ये सब चीज़ें एक साइंटिफिक चीज़ें हैं। जैसा कि आपको बोर्ड एग्जामिनेशन देना पड़ता है तब कुछ दिनों बाद जाकर रिजल्ट आता है तो वो किसी एक बोर्ड के साथ नहीं होता है, ये एक पर्टिकुलर नियम बना दिया गया, रूल बना दिया गया है कि ऐसा ही होगा, इसी तरह ग्रेस मार्क एक्स्ट्रा मार्क के साथ भी यही चीज़ें होती हैं। दोस्तों
समझने के लिए आपको मैंने जो उदाहरण दिया है वो काफ़ी था, लेकिन जिन लोगों को बातें समझ में नहीं आ रही हैं उनको मैं एक पॉइंट दे के समझाना चाहता हूँ कि आप लोगों ने अगर थोड़ी सी भी पढ़ाई की है, आप लोगों ने अगर 40% भी पढ़ा है अपने सिलेबस को, तो आप लोग ग्रेस मार्क के हकदार हैं, आपको ग्रेस मार्क्स मिलेगा। ग्रेस मार्क्स उन लोगों को नहीं मिलता है जो लोग बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करते हैं और बोर्ड एग्जामिनेशन में कुछ भी लिख के चले आते हैं, फिर वो कहते हैं सर हम तो ग्रेस मार्क्स के भरोसे ही बैठे। ऐसा नहीं होता है, ग्रेस मार्क्स के लिए आपको नियरेस्ट पासिंग मार्क क्राइटेरिया के पास जाना पड़ेगा। अब दोस्तों यहाँ पे बात आती है कि सर जैसे हमने कॉपी को ख़राब कर दिया है या हमारी कॉपी ख़राब हो गई है, लिखते वक्त हमने बहुत गलतियाँ कर दी हैं, तब हम क्या कर सकते हैं? तो दोस्तों हमने इस बारे में पूरी रिसर्च करके रखी है, इसके लिए जल्द ही आपको एक वीडियो प्रोवाइड कर दिया जाएगा कि जिन बच्चों की कॉपी ख़राब हो गई है या किसी वजह से उसमें मिस राइटिंग हो गया है या कुछ भी प्रॉब्लम हो गई है वो क्या कर सकते हैं, उसके बारे में हम आपको एक लेटेस्ट वीडियो बना के अपलोड कर देंगे। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर सकते हैं। अधिक से अधिक अपने सभी दोस्तों के साथ, चाहे आप CBSE के हों, चाहे आप CISE के हों, चाहे दोस्तों आप क्लास 10th के हों, चाहे क्लास आप 12th के हों, आप लोग दोस्तों अपने सभी फ्रेंड के साथ इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर सकते हैं। चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप बेल नोटिफिकेशन पर दोस्तों क्लिक कर सकते हैं। और अगर आपको कोई भी अधिक जानकारी चाहिए, आपको किसी हमारे टीचर या एक्सपर्ट से बात करनी है, तो सब्सक्राइब के बगल में एक ज्वाइन बटन होगा, उससे आप हमसे जुड़ सकते हैं, जिसमें दोस्तों आप पे करके हमारे टीचर से लाइव व्हाट्सअप चैट, लाइव वीडियो कॉलिंग और लाइव कॉन्टैक्ट पे बात भी कर सकते हैं। आप पूरा अपना प्रॉब्लम का सोल्यूशन दोस्तों आप पा सकते हैं। अधिक से अधिक लोगों तक दोस्तों आप लोग वीडियो को शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। धन्यवाद।